हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट एपीआई। अच्छा, लास्ट मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, ये हमने एक आउटलाइन बना लिया था, इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। तो वेज ऑफ इनपुट पढ़ लिया था हमने, वेज ऑफ आउटपुट पढ़ लिया था, राइट? ये दो चीज़ें पढ़ ली थी मैंने। अच्छा, ये दो चीज़ें पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको एक सेंड फाइल की एक असाइनमेंट भी एक दिया था कि आपने क्या करना है, एक गेम की वेबसाइट बनानी है, किसी भी गेम पर क्लिक करें वो डाउनलोड हो जाए। तो वो मैं असाइनमेंट अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बाद में चेक करूँगा, ठीक है? आई होप कि वो सब लोगों ने बना लिया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ना, अच्छा वैसे तो फाइव प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एक छठा भी है, छठे को आप प्रिंसिपल, हाँ, ये असाइनमेंट मैंने जब ये पढ़ाया था वेज ऑफ आउटपुट उसके बाद ही दिया था। आप थे नहीं उस क्लास में, शायद आप थे उस क्लास में, देख लो यार, वो तो मैंने बना के दिखाया था बकायदा, मैंने कहा था कि जस्ट आपने बनाना है, मैंने खुद बना के दिखाया था क्लास में भाई। हाँ, मैंने बना दिया था, मैंने कहा था इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन बनाना है, दो ऐप्स मैंने क्लिक डाउनलोड करके दिखा दिया था, मैंने कहा था कि उसको कम से कम 15-20 ऐप्स इस पर डाल के और इसको होस्ट करके पब्लिक कर देना। जी हाँ, VS कोड और दूसरा एक, हाँ, मैक और विंडोज़ का वो दो मैंने आइटम लगाया था उसमें, ये वाला बनाया था। वेल, तो जी फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट एपीआई, तो फाइव नहीं है असल में, अब ये सिक्स इसको काउंट कर रहे हैं लोग, एक और भी इसमें केशिप, ये लास्ट वाला जो आइटम है ना, कौन सा है ये, वेल इसने इसका सीक्वेंस भी थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है। अच्छा, ये आर्टिकल बड़ा अच्छा मैंने ढूंढ के निकाल लिया, प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रेस्ट एपीआई डिज़ाइन। अच्छा, इसमें रेस्ट एपीआई के डिज़ाइन को भी डिस्कस किया जा रहा है, प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस किया जा रहा है। ये आर्टिकल आपने पूरा खुद से पढ़ना है, ठीक है, और लाजमी आपके लिए ये आर्टिकल पढ़ना, ठीक है जी। अब ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये। दिस बेस्ट प्रैक्टिस आर्टिकल इंटेंट फॉर डिवेलपर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना APIs, इसको वेब सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो मैंने सर्वर लिखा है ना एक्सप्रेस के ऊपर और उसको मैंने होस्ट कर दिया है, अब उसका जो URL मैं हिट करता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं HTTP API हिट कर रहा हूँ। जब मैंने वेदर ऐप हमने बनाई थी ओपन वेदर की API इस्तेमाल करते हुए, तो ओपन वेदर API वालों ने एक URL दिया था, साथ में एक टोकन दिया था, तो उसको हम REST API कहते हैं या HTTP API कहते हैं। उसी का एक और नाम वेब सर्विस भी है, ठीक है। तो वेब सर्विस कभी लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब सेम है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये जस्ट थोड़ा फैंसी नाम है। अच्छा, रेस्टफुल, कोई भी वेब सर्विस या कोई भी API या कोई भी HTTP API रेस्टफुल कब बनेगी, वो जब बनेगी जब ये पांच प्रिंसिपल उस पर अप्लाई हो जाएंगे। वो पांच प्रिंसिपल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अगर किसी भी API पे अप्लाई हो जाए तो उसको हम ये कहते हैं कि ये रेस्टफुल API है या REST API है शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अब ये किसके लिए, इसने कहा भाई डेवलपर्स के लिए लिख रहा हूँ मैं जो इंटरेस्टेड हैं क्रिएटिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज दैट प्रोवाइड हाई रीडेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल सर्विस यूनिट्स, सर्विस सुइट्स, ठीक है। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस से जब उसको हिट किया जाए, जब उसको फ्रंट एंड से हिट किया जाए, बैक एंड से हिट किया जाए, या उसको किसी मोबाइल ऐप मोबाइल डिवाइस से हिट किया जाए, तो वो कंसिस्टेंट सब पे चले वो, ठीक है। तो फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस सर्विस आर पोजिशन फॉर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक अडॉप्शन बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ठीक हो गया जी। हेयर इज द कम्प्लीट डायग्राम टू ईजली अंडरस्टैंड रेस्ट API प्रिंसिपल्स मैथड्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब इसने कुछ यहाँ पे डायग्राम सब बना के रख दिया है, लेकिन हम इस डायग्राम से पहले ना ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं, पहले हम ये इसको पढ़ते हैं और जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझने के लिए वापस हम डायग्राम में आके ज़रा उसको देख लेंगे कि क्या चीज़ है वो। सबसे पहली चीज़ है इसमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। कह रहा है कि जी ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न है कि जी क्लाइंट बिल्कुल अलग होगा और सर्वर बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारी वेदर ऐप है जो हमने बनाई थी ओपन वेदर की API इस्तेमाल करते हुए, जो हमने वेब एप्लीकेशन बनाई थी वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उस API के अंदर क्या था कि फ्रंट एंड के ऊपर मैंने जस्ट UI बनानी होती थी और API के ज़रिए डेटा ला के मैं डिस्प्ले करवा देता था। फ्रंट एंड पे वेदर कैसे बनेगा, वेदर का क्या करना है, कैसे करना है, ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बिज़नेस लॉजिक सारी वो API के उस पार है। एज अ डिवेलपर, एज अ फ्रंट एंड डिवेलपर आपको पता भी नहीं है कि
एपीआई के उस पार क्या हो रहा है भाई, ओपन वेदर वाले वेदर का डेटा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं आपको तो नहीं पता है ना। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न है कि जी फ्रंट एंड बिल्कुल अलग होगा, बैक एंड बिल्कुल अलग होगा। अभी हमने जो हेलो वर्ल्ड की ऐप बना के हमने सबमिट की है उधर गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय की है और साइक्लिक पर डिप्लॉय की है, उसमें भी आपने ये देखा कि जी HTML की एक फाइल बिल्कुल अलग है, HTML की एक फाइल बिल्कुल अलग है जो स्लैश की रिक्वेस्ट पर उठ के पूरी आ जाती है। अब उस पर जो भी काम हो रहा है उसका सर्वर से ताल्लुक नहीं है, सर्वर की फाइल को अलग से मॉडिफाई किया जाएगा, फ्रंट एंड की फाइल को अलग से मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न है कि जी क्लाइंट अलग होगा सर्वर अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो देखा है, आपने तो आग खोला ही इसी एरा में ना, आपने तो आग खोला ही क्लाइंट सर्वर में, आपको तो यही नहीं पता कि इससे पहले क्या होता था। तो इससे पहले क्या होता था वो भी ज़रा सा समझ लो। इससे पहले ये होता था कि जब आप रिक्वेस्ट करते थे स्लैश की रिक्वेस्ट या कोई भी आप स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट करते थे, अभी तो ये होता है ना रिक्वेस्ट जाती भी जेसन में रिस्पॉन्स आता भी जेसन में, पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट की आपने, रिक्वेस्ट वहाँ पहुँची सर्वर पे, सर्वर पे क्या करता था वो डेटाबेस से प्रोफाइल लाता था और डेटाबेस से प्रोफाइल ला के वहाँ पे HTML कंस्ट्रक्ट करता था, पूरा पूरे टैग्स लगाता था सर्वर के ऊपर। आप समझ रहे हैं, आप सर्वर के ऊपर बैठा हुआ बंदा HTML के टैग्स पूरे कंस्ट्रक्ट करता था और फिर वहाँ से वापस भेजता था यहाँ पर, और वो फ्रंट एंड पे आके एज अ HTML रेंडर होता था, समझ रहे हो। तो ये क्या होता था कि क्लाइंट और सर्वर अलग अलग नहीं था इसमें। अच्छा उस तरह की ऐप में होता ही सर्वर था, सिर्फ सर्वर होता था, क्लाइंट उसमें होता ही नहीं था। पाइथन में ऐसे होता है नहीं, नहीं पाइथन REST API सपोर्ट करता है और पाइथन पे आजकल अब सब लोग REST API बना रहे हैं, ठीक है। पाइथन में भी क्लाइंट सर्वर अलग कर दिया है। शुरू में तो PHP पे ऐसा ही होता था, PHP जो है ना वो टोटली इसी चीज़ पे बेस करती है कि जी वो आप रिक्वेस्ट करेंगे उधर, जब पहुँचेगी रिक्वेस्ट तो वहाँ से पूरा HTML उठ के आएगा। अच्छा एक्सप्रेस में भी ये चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस में हूँ तो मैं REST API बनाऊँगा, क्योंकि एक्सप्रेस जब आई थी तो उस वक्त REST API बहुत नया था। एक्सप्रेस वालों ने REST API को उस वक्त ऐसे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था, वो मतलब थोड़े कुछ दिनों बाद हुआ था कि जी REST API उसमें सपोर्टेड हो गई। वरना एक्सप्रेस का जो सर्वर है तो उस पर दोनों तरीके मौजूद हैं, हम तो REST API करेंगे, हम दूसरा वाला नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेटिंग इंजन। दो टेम्पलेटिंग इंजन बड़े मशहूर थे एक्सप्रेस पे जब ये शुरू शुरू में आई थी, अब तो वो थोड़ा फेड होता जा रहा है, अब सिर्फ REST API पे क्योंकि लोग मूव कर रहे हैं। तो एक था वो जेड, JADE जेड, और एक था EJS। अब इसमें क्या होता जी स्लैश प्रोफाइल की आपने रिक्वेस्ट की, सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट पहुंची, वहाँ पे जेसन नहीं रिस्पॉन्स में आता था, आप रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा HTML पेज भेजते थे और वो इधर आके रेंडर होता था एज अ HTML, ठीक है। तो वो वाला जो तरीका था वो REST API में डिस्करेज किया जाता है। REST API बोलते हैं कि भाई आपकी API को उसी सूरत में आप REST API बोल सकते हैं जब आपका क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल अलहदा हो और इंडिपेंडेंटली उसको अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जी बाई सेपरेटिंग द यूज़र इंटरफेस कंसर्न फ्रॉम द डेटा स्टोरेज कंसर्न वी इम्प्रूव द पोर्टेबिलिटी ऑफ यूज़र इंटरफेस अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इम्प्रूव द स्केलेबिलिटी बाई स्पेसिफाइंग द सर्वर कंपोनेंट्स। अच्छा अब ये कह रहा है कि यार जैसे अब हुआ क्या कि फ्रंट एंड आपने बनाया हुआ था बूटस्ट्रैप पे, अब जी ज़माना थोड़ा आगे बढ़ा, कोई नया फ्रेमवर्क आ गया फ्रंट एंड का, ठीक है, बूट स्ट्रैप की जगह रूट स्ट्रैप आ गया कोई, या ABC स्ट्रैप आ गया कोई भी है, तो कोई टेलविंड आ गया, कोई चाकरा आ गया, पता नहीं और कौन कौन से आए हैं आजकल। अब आपने क्या करना है, अपने फ्रंट एंड को अपडेट करना है ना, उसकी UI को। आपने देखा फेसबुक हर थोड़े दिन पे अपडेट हो जाता है UI उसकी, सर्वर नहीं अपडेट होता, सर्वर वही है, लाइक का बटन उसी तरह काम करता है आज भी, लेकिन ये लाइक का बटन थोड़ा कभी गोल मेटल हो जाता है, कभी चकोर हो जाता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड को आपने पूरा UI ट्रांसफॉर्म करना है, रीवैम्प करना है, इसको डिज़ाइनर कहते हैं रीवैम्प। तो आप क्या करेंगे, वो फ्रंट एंड आप दोबारा से थोड़ी लिखेंगे, वो फ्रंट एंड आप उसको अपडेट कर देंगे, आप उसी को जो लिखा हुआ फ्रंट एंड है, या मे बी दोबारा से भी लिख लें, लेकिन सर्वर पे जो APIs लगी हुई थी वो फिक्स है, सर्वर पे कोई चेंजेस नहीं होगा इसकी वजह से, सर्वर से उसका ताल्लुक ही नहीं होगा। तो फ्रंट एंड का डेवलपर भी अलग होगा, उस पर अपडेट भी इंडिपेंडेंटली हो रही होगी, बस वो टेस्ट केस लिखे होंगे, जब भी कोई अपडेट होगी टेस्ट केस चलाओ तो सही चल रहा है तो ठीक है, फिर ये वाला चक्कर है। अच्छा तो क्लाइंट सर्वर ये पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और ये हम ऑलरेडी इसी चीज़ पे चल रहे हैं, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी, हमने पढ़ाई यही है इन द फर्स्ट प्लेस। नंबर 2 स्टेटलेसनेस। स्टेटलेस जो है ना,
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टेट किस चीज को कहते हैं अंग्रेजी में? कौन बताएगा स्टेट किस चीज को कहते हैं? हालत को कहते हैं। और सूबे को? हाँ, वो भी तो है ना, अमेरिका के बावन स्टेट जो है वो भी तो स्टेट कहलाते हैं। और हालत को कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, स्टेट ऑफ माइंड होता है कि ये स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, एंग्री हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट जो है वो करंट हालत जो भी उसको कहते हैं। वाटर की तीन स्टेट्स हैं, ठीक है, तीन फॉर्म्स हैं। सॉलिड स्टेट होता है। अच्छा, तो स्टेट से हमें क्या पता चला कि स्टेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो चेंज होती है। स्टेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो हालत होती है, करंट हालत, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है। अच्छा, तो वेरिएबल जो होता है ना उसको हम कहते हैं स्टेट। सही है, वेरिएबल का एक नाम ये भी है, स्टेट। अच्छा, लेकिन एक वेरिएबल को स्टेट नहीं कह सकते। यानी आमतौर पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल को मिला के स्टेट कहते हैं। सही है, एक से ज़्यादा वेरिएबल को मिला के स्टेट कहते हैं। लेकिन आप इसको सिंपली यही समझें कि वेरिएबल को स्टेट कहते हैं। अच्छा, मिसाल से समझाता हूँ मैं कि जी आपका जो अकाउंट है, किसी भी सोशल मीडिया का अकाउंट, उसकी स्टेट इस वक्त क्या है? ठीक है, उसकी एक स्टेट होती है। अच्छा, बिगनर स्टेट है, मिड टेयर है, या हाई स्टेट पर खड़ा हुआ है वो? अच्छा, उसकी स्टेट अगर मैं डिफाइन करूँ तो मे बी नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ़ रीच, के विजिटर कितने आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, और मल्टीपल चीज़ों को मिला के बहरहाल वो एक स्टेट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को हम स्टेट कहते हैं। अच्छा, उस वो स्टेट ज़ाहिर है चेंज होगी, नंबर ऑफ़ विजिटर कम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ फॉलोअर बढ़ जा सकते हैं या कम हो सकते हैं, तो वो एक स्टेट है। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ़ फॉलोअर को स्टेट नहीं कहते हैं, मल्टीपल चीज़ों को मिला के कहते हैं। अच्छा, वेल, तो स्टेट लेस जो ये कह रहे हैं ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात कर रहा है? कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टेट लेस एज इन द क्लाइंट स्टेटलेस सर्वर स्टाइल, इसको CSS भी कहते हैं शॉर्ट में। ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। सेशन स्टेट देयरफॉर टू कीप एंटायरली टू द क्लाइंट। अच्छा, यहाँ पे इसने ये बात की है कि यार आपने सर्वर पे ना कोई वेरिएबल नहीं बनाना। अच्छा, वेरिएबल किस तरह के वेरिएबल की ये बात कर रहा है? स्टेट वाले वेरिएबल की बात कर रहा है। वैसे तो आप वेरिएबल बना सकते हैं सर्वर पे, हमने बनाए भी हैं। स्टेट वाले वेरिएबल नहीं बना सकते आप। स्टेट वाला वेरिएबल क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा, स्लैश प्रोफाइल पे जब भी रिक्वेस्ट आती है ना, मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है टॉप पे, अपने कोड के टॉप पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और स्लैश प्रोफाइल पे जब भी एक रिक्वेस्ट आती है तो मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल में एक काउंटर प्लस कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जब भी मैं उस काउंट के वेरिएबल को गेट करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रोफाइल पे आज के दिन में कितनी हिट आई है, या अभी तक कितनी हिट आ चुकी है। ऐसा ही होगा ना, इस वेरिएबल को बनाने से मना किया गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। अच्छा, एक तो ये स्टेट वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल कौन सा होता है? दूसरा वेरिएबल वो होता है कि जब रिक्वेस्ट गई तो वेरिएबल बना, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया तो वेरिएबल ख़त्म, सर्वर पे कोई चीज़ सेव नहीं है। अच्छा, तो ये स्टेट लेस का जो कॉन्सेप्ट है ना REST API का, इसमें ये कहते हैं कि जी स्टेट हमेशा जो बनेगी ना, वो बनेगी डेटाबेस में। कभी भी सर्वर के कोड में या सर्वर में वेरिएबल के लेवल पे स्टेट मेंटेन नहीं करेंगे आप। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर किसी किस्म की स्टेट मेंटेन करनी है एक ख़ास यूज़र के लिए, तो वो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में ही उसको शामिल करेंगे आप, उसको आप रिक्वेस्ट में ही शामिल करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की है ना, वो की है कि हर रिक्वेस्ट जो है ना, जो क्लाइंट से पहुँचेगी सर्वर पे, मस्ट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू कंप्लीट दैट रिक्वेस्ट। कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट में शामिल होनी चाहिए। लेकिन ज़रा ये थोड़ी अधूरी बात की है इसमें। हमारा तो यानी हमारे डायनेमिक्स में जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला सवाल यह है, सबसे पहला सवाल डेटाबेस का आता है, वो क्लाइंट का नहीं आता। क्लाइंट का तो अभी हम बाद में देखेंगे वो क्या चक्कर है। ये जो बात कर रहा है ना कि हर रिक्वेस्ट में क्लाइंट पे तमाम इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और लेके वापस आएगा, वो तो आगे की कहानी है। पहला सवाल इसमें ये आएगा कि जी इस तरह का अगर काउंटर का वेरिएबल मैं सर्वर पे नहीं बना सकता तो मैं बनाऊंगा कहाँ? तो वो आप बनाएंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब स्लैश प्रोफाइल पे कितनी रिक्वेस्ट आ रही है एक दिन में, या एक साल में, या एक महीने में, उसका आपने काउंटर अगर बनाना है तो जब भी स्लैश प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट आएगी तो आप वहाँ से डेटाबेस में एंट्री को अपडेट करेंगे, ना कि आप वेरिएबल बनाएंगे।
अच्छा, अब अगर ऐसा बना, इन्होंने क्यों मना किया भाई ऐसा करना है? क्लाइंट सर्वर को तो समझ आ गया ना कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अलग अलग अपडेट होगा, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। स्टेटलेस इन्होंने क्यों बोला, क्यों मना किया इन्होंने बनाने, कोई बता पाएगा? ये नंबर एक बात, सर्वर रीस्टार्ट होता है तो वेरिएबल खत्म हो जाता है, और हाँ भाई नहीं नहीं देखो, दो समझाता हूँ दोबारा मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि स्लैश प्रोफाइल पे जब भी रिक्वेस्ट आती है ना, एक काउंटर का वेरिएबल है जो मैंने टॉप पे बनाया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल, उसमें मैं इंक्रीमेंट करता जाता हूँ। एक दूसरी एपीआई मैंने बनाई हुई है गेट करने की, उसको वो मैं एड करता हूँ तो वो काउंटर गेट हो जाता है, सही है, वो काउंटर मैंने गेट कर लिया। तो ये काउंटर का जो वेरिएबल है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेट। तो ये बनाने के लिए मना कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं अगर रेस्ट एपीआई बना रहे हो ना तो स्टेट लेस होगी, जब भी आप रेस्ट एपीआई कह सकते हो, अदरवाइज वो रेस्ट एपीआई के दायरे से बाहर हो जाएगी। तो आया कि कोई ऐसा नुकसान है इसका, अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ और उसको बाद में मैं गेट करता हूँ, एपीआई कॉल से ही गेट कर रहा हूँ, तो आया कि उसका कोई नुकसान होगा ना, जब भी तो मना कर रहे हैं ये। तो क्या लगता है आपको, क्या नुकसान होगा? वो एक तो दोस्त ने बताया कि जी सर्वर रीस्टार्ट होगा तो वेरिएबल जीरो हो जाएगा दोबारा, बिल्कुल सही बात की है, और कोई नुकसान जो समझ आ रहा हो? सर्वर पे नहीं, सर्वर पे लोड नहीं, सर्वर के लोड, प्राइवेसी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपने गेट करने पे प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई हुई है गेट करते हुए, कि अनऑथराइज बंदा गेट ना कर सके, मतलब अनऑथराइज बंदा तो प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकता ना, तो गेट पे भी आपने सिक्योरिटी अगर लगाई, अभी वो हमने पढ़ी नहीं है सिक्योरिटी, वो हम JWT पढ़ेंगे अभी आगे, क्योंकि अपने सर्वर के रिक्वेस्ट को सिक्योर कैसे करते हैं, लॉग इन साइनअप का पूरा प्रोसेस, तो वो अगर आपने किया हुआ तो अनऑथराइज बंदा उसको गेट नहीं कर सकता, तो प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। और कोई नुकसान किसी को समझ आ रहा हो? बढ़ेगा ही, वो कम क्यों होगा, जितनी रिक्वेस्ट आएगी बढ़ता जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट कौन सा? अच्छा, दोस्त कह रहे हैं कि जब भी मैं अपने सर्वर को अपडेट करूंगा तो भी सर्वर रीस्टार्ट होता है, तो जब जब अपडेट करूंगा जब भी वो जीरो हो जाएगा, ये कह रहे हो? दोनों ने सेम बात की है मोर और लेस। बताओ नहीं, काउंटर शुरू में जीरो है ना, जैसी पहली रिक्वेस्ट आई वन हो गया, फिर टू हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर फोर, ऑनवर्ड्स चलता रहेगा, 20,000 25,000। पिछला कौन सा रह गया? नहीं ना, एक ही नंबर का वेरिएबल है, उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मुझे जब भी मैं गेट करूँगा मुझे ये देखना है कि अभी तक कितने रिक्वेस्ट आ चुकी है, काउंटर चाहिए मुझे, बस ये एक सिंपल सा वेरिएबल है, काउंटर का वेरिएबल है। या चलो स्लैश प्रोफाइल बनी, मैं हर रिक्वेस्ट पे लगा रहा हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट है, मैंने टॉप पे ऐप डॉट यूज़ लगा दिया कि जी वो ऐप डॉट यूज़ हर पे से हिट होता है ना, ये तो हम देख चुके हैं, ऐप डॉट यूज़ हर रिक्वेस्ट पे हिट होता है, तो मैंने वहाँ लगा दिया काउंटर कि जी टोटल मेरे सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट अभी तक आ चुकी है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि कब तक, कब से कब तक, काउंटर बना हुआ, जब भी रिक्वेस्ट आती है बढ़ता रहता है वो। अब इस वेरिएबल को बनाने इन्होंने मना किया है क्योंकि इससे स्टेट मेंटेन हो रही है, तो स्टेट मेंटेन करने का नुकसान क्या है? सबसे पहला मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि स्टेट मेंटेन क्यों ना करें? अगर भाई बन सकता है वेरिएबल तो कर, बन जाए, क्या मसला है इसमें? हाँ, स्टेट चेंज हो रही है ना, बढ़ रहा है ना वेरिएबल, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ मैं किसी दूसरे तरह की सिनेरियो में, डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ मैं, अभी तो सिर्फ इंक्रीमेंट ही हो रहा है ना इसमें, अब इसका क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्या नुकसान है। जब मैंने डिप्लॉय करना बताया था गूगल क्लाउड पे, तो उस वक्त मैंने एक बात आपसे जिक्र की थी कि बैकएंड जितना भी आजकल चल रहा है, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जो टेनेंट हैं, जहाँ से हम किराए पे क्लाउड ख़रीदते हैं अपना, तो वो लोग बैकएंड पे क्या चला रहे हैं? कुबरनेटिस, ठीक है, कुबरनेटिस चला रहे हैं वो बैकएंड पे, और कुबरनेटिस में क्या होता है, पॉड्स होते हैं। तो हम जो एक ऐप यहाँ से डिप्लॉय मारते हैं ना, चाहे वो साइक्लिक पे हो, चाहे वो गूगल क्लाउड पे हो, ये सब वही कर रहे हैं पीछे, हरिको भी वही कर रहा है, वर्सल वाले भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। ये जितने भी हम जहाँ पे हमने ऐप डिप्लॉय की उसको क्या कहते हैं, कौन से वाले पे हमने डिप्लॉय की थी?
माइक्रो सर्विस या नैनो सर्विस? अरे भूल गए यही तुम लोग, हमने माइक्रो सर्विस पर डिप्लॉय की थी, ठीक है। जो माइक्रो सर्विस जितना भी चल रहा है ना, वो पीछे कुबरनेटीज पे चल रहा है। जो हम गूगल ऐप इंजन पे डिप्लॉय करते हैं उसको हम माइक्रो सर्विस कहते हैं, हम साइक्लिक पे जो डिप्लॉय करते हैं उसको माइक्रो सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो सर्विस का जो पीछे आर्किटेक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने, वो कुबरनेटीज पे बनाया हुआ है। अच्छा, कुबरनेटीज में क्या होता है, पॉड्स होते हैं। अच्छा, पॉड कैसे काम करते हैं, एक मास्टर कंप्यूटर होता है और बाकी सारे होते हैं स्लेव, मास्टर स्लेव का उसमें चलता है कहानी। अच्छा, मास्टर के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो जितने भी स्लेव हैं, अच्छा वो स्लेव 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मास्टर भी मैं कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर ना तो वो 2-3 भी हो सकते हैं, किसी वो एक मास्टर पर ज़्यादा लोड है तो दूसरा, तो मास्टर भी एक से ज़्यादा होते हैं और स्लेव की तो कोई लिमिट नहीं है। तो अब गूगल के पास जितने भी कंप्यूटर हैं ना, वो सारे कुबरनेटीज के सिस्टम पर डले हुए हैं, जो ऐप इंजन के बाउंड्री के अंदर है। अब वो मास्टर के पास आती है ना, जब वो ऐप आप यहाँ से डिप्लॉय करते हैं, वो आती है मास्टर के पास। मास्टर क्या करता है, मिसाल के तौर पे 50 कंप्यूटर है ना, तो उसमें से एक को करेगा ऑन और उसमें एक कंटेनर बनाएगा आपकी ऐप का और उसको रन कर देगा, वो रन हो गया। अच्छा, अब किसी की दूसरे की ऐप आएगी, उसको भी उसी कंप्यूटर में डाल देगा अगर जगह है उसमें, तो अदरवाइज कोई दूसरा कंप्यूटर ऑन करेगा। अच्छा, आपकी ऐप पर थोड़ी देर तक रिक्वेस्ट नहीं आई, आपका कंटेनर डाउन कर देगा, यानी उसमें से आपके कंटेनर को रिमूव कर देगा। जब रिक्वेस्ट आएगी तो दोबारा चला देगा, ठीक है। अच्छा, आपकी ऐप के ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग गई तो 4-5 कंटेनर चला देगा, अलग अलग कंप्यूटरों पे आपकी ऐप के 4-5 कंटेनर चला देगा और उस पर लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। जाहिर है, रिक्वेस्ट जब भी आएगी तो वो जिस पे अवेलेबल होगा ट्रैफिक उस पे भेज देगा वो, ठीक है। हाईली स्केलेबल है ना, यही हमने डिस्कस किया था ना कि एक से ज़्यादा पे चला देता है वो। हम उसमें लिमिट भी सेट कर सकते हैं, फ्लेक्स एनवायरनमेंट करके उसमें एक चीज़ होती है गूगल ऐप इंजन में। अच्छा, गूगल ऐप इंजन में नहीं, हर माइक्रो सर्विस में, जितनी भी माइक्रो सर्विस है, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो हरिको हो, चाहे वो AWS का बीन स्टॉक हो, इन सब में क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल इनका ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम सेट कर सकते हैं कि जी मेरे 200 इंस्टेंसेस तक जाओ आप सीधा सीधा, जब ट्रैफिक आए तो 200 इंस्टेंस चला दो, मिनिमम 4 चला के रखो, 4 से कम ना चलाओ, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। अब इमेजिन करो कि आपके पास ट्रैफिक आ रही थी और उसने 25 इंस्टेंस आपके चला दिए, यानी 25 अलग अलग कंप्यूटरों पे आपका एक एक कंटेनर चलाया हुआ है उसने, या 10 अलग अलग कंप्यूटरों पे 25 इंस्टेंस आपके चले हुए हैं, एक पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 2, किसी पे 1, ऐसे। अब जब रिक्वेस्ट आएगी ना आपकी, यानी आपका क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा आपके सर्वर पे, तो रिक्वेस्ट इन 25 इंस्टेंस में से कहां जाएगी, रैंडमली किसी एक में चली जाएगी। अच्छा, अगली दफ़ा जब रिक्वेस्ट आएगी, उसी बंदे की रिक्वेस्ट आएगी जब, तो कहां जाएगी, रैंडमली किसी और में चली जाएगी, हो सकता है सेम पे चले जाए, हो सकता है किसी और पे चली जाए, समझ रहे हो बात। इसका मतलब ये है कि मैं एज अ क्लाइंट जब भी कोई बटन दबाऊंगा तो जो सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम इंस्टेंस पे जाए, अलग अलग पे जा रही होगी। अच्छा, साइक्लिक पे इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ये वाला काउंटर बनाओगे साइक्लिक पे और रिफ्रेश पे उसको गेट भी करा लेना हाथ के हाथ। अब जब तुम रिफ्रेश करोगे ना, तो वो 1, 2, 3, 4 बढ़ेगा, वो एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा इंस्टेंस पे चली जाती है रिक्वेस्ट। जी हाँ, ठीक है। तो स्टेट अगर आपने मेंटेन की REST API के ऊपर, या किसी भी माइक्रो सर्विस वाले आर्किटेक्चर पे अगर आपने स्टेट मेंटेन की, तो वो कभी भी आपको कंसिस्टेंट डेटा नहीं देगा, सही है। मतलब जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो 25 इंस्टेंस चल रहे हैं और 2500 पे अलग अलग वेरिएबल बने हुए हैं और इंडिपेंडेंटली वो इंक्रीमेंट उसमें लग रहा है, तो कभी इस पे जाएगी तो यहाँ का डेटा आएगा, इस पे जाएगी तो यहाँ का डेटा आएगा, वो 25 अलग अलग चल रहा है आपका। अच्छा, फिर क्या होगा थोड़ी देर में ये होगा कि रिक्वेस्ट आना बंद हो जाएगी, वो एक को डाउन करेगा, दूसरे को डाउन करेगा, तीसरे को डाउन करेगा, वो एक एक करके सबको ही डाउन कर देगा, तो ख़त्म, आपका स्टेट ही ख़त्म हो गया। तो स्टेट मेंटेन आपने इसलिए नहीं करनी, ये समझ आई बात सब लोगों को। स्टेट मेंटेन करने का क्या नुकसान है कि वो कुबरनेटीज के सिस्टम पे जब जाता है ना, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो आपको कभी कुछ डेटा देगा, कभी कुछ देगा, उसका रीज़न ये है। इसको करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, केशेबल, टू इम्प्रूव द नेटवर्क एफिशिएंसी वी एड केशे कॉन्स्ट्रेन फ्रॉम द क्लाइंट केशेबल। अच्छा, इसमें इन्होंने बहुत सिंपल सी बात ये की है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट होगी ना, वो केशेबल होनी चाहिए। अच्छा, अब रिक्वेस्ट केशेबल होने का क्या मतलब है भाई,
रिक्वेस्ट केशेबल होने का मतलब ये है कि आपके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट गई और वहाँ से जब रिस्पॉन्स आया तो उस रिस्पॉन्स में ना हम सम टाइम ये फ्लैग लगा के भेजते हैं कि दिस रिस्पॉन्स इज केशेबल। हम ये सम टाइम हम ये फ्लैग लगा के भेजते हैं कि दिस रिस्पॉन्स इज केशेबल। सही है। अच्छा, वो रिस्पॉन्स कब लगाते हैं? वो रिस्पॉन्स हम जब लगाते हैं जब हमारे पास उस सर्टेन रिक्वेस्ट पे हमेशा सेम डेटा आता हो। बात समझ लो। मिसाल के तौर पे हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ करके देखी थी, अगर मैं कोड में आ पाऊँ वापस, वेज ऑफ आउटपुट। हाँ, इसको देखो गौर से देखो। केशे अभी पहले तो समझो तो सही, केशे लगता कब है? ये मैंने स्टेटिक का एक फोल्डर बनाया था। अच्छा, इससे होता क्या था कि मैं बेस यू आर एल स्लैश स्टेटिक स्लैश वी एस कोड विंडोज डॉट एक्जी, ये वाला यू आर एल जब भी मैं हिट करूँगा तो मुझे एक ही फाइल मिलेगी हमेशा। ऐसा ही है, क्योंकि वो उसी नाम से उस फोल्डर में सेव है, स्टेटिक वाले फोल्डर में। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जब आती है तो इसके रिस्पॉन्स में हम फाइल भी भेजते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं कि भाई ये केशेबल है। ठीक है, यही वजह है कि मेरे वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस मुझे चाहिए होती हैं, जितने भी एसेट्स चाहिए होते हैं, वो सब स्टेटिक के फोल्डर में होते हैं। ये इंशाल्लाह हम रिएक्ट पढ़ेंगे थोड़े दिन में, तो आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि रिएक्ट का जो बिल्ड निकालता है ना, तो स्टेटिक का फोल्डर अलग बनाता है वो, और स्टेटिक के फोल्डर से सारा कुछ उठ के आ रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स के अंदर फ्लैग लगा के भेजते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है हमेशा क्या आएगा, वो इसी तरह होगा, हमेशा सेम होगा वो। अच्छा, स्टेटिक जब हम बनाते हैं इस तरह करके, तो इस केस में वो फ्लैग हम नहीं लगाते हैं, बल्कि वो सर्वर खुद लगा के भेजता है। जो मेरा एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है वो मेरे बिहाफ पे ये काम करके दे रहा होता है मुझे। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क को पता है स्टेटिक के फोल्डर में जो है वो है, वो चेंज नहीं होगा। फोल्डर जब अब चेंज होगा जब पूरा सर्वर अपडेट होगा। ठीक है, तो इसको जब भी मिसाल के तौर पर स्टेटिक में से एक फाइल डाउनलोड हुई ना अगर, तो वो अगली दफ़ा केशे में से उठ के आ जाती है। अच्छा, केशे में फिर डिफरेंट इसके वेरिएबल्स हैं, किसी बहुत बड़ी फाइल होती है तो वो केशे नहीं होती। ठीक है, छोटी फाइलें केशे होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई फाइल है 20-25 MB तक भी केशे शायद कर लेता है, उससे ऊपर लेकिन नहीं करता, उससे ऊपर जैसे बड़ी फाइल उसको कंसिडर करता है वो। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई केशे वाली। अच्छा, केशेबिलिटी की दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज और ऐसे फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं जो जिनका काम ही केशे करना है। ठीक है, जैसे एक चीज़ है रेडिस करके, उसको केशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इन मेमोरी डेटाबेस है काइंड ऑफ, तो वो इन मेमोरी केशे रखता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो एक दफ़ा जो रिक्वेस्ट किया आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि गेट की रिक्वेस्ट किया आपने और बेस यू आर एल स्लैश प्रोफाइल स्लैश मलिक। अब इसका मतलब है मलिक की मैं प्रोफाइल गेट कर रहा हूँ। अब मलिक की प्रोफाइल 5 मिनट में चेंज तो होगी नहीं, स्लैश प्रोफाइल में नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें हैं ना उसमें, तो उसमें फ़ौरन तो वो चेंज होगा नहीं। मैं जब भी गेट करूँगा सेम डेटा आएगा। तो वो क्या करता है, उसके उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए केशे करवा देते हैं। उसके रिस्पॉन्स में हम लिख के भेजते हैं कि इसको इतनी देर के लिए आप केशे कर लो। ठीक है, तो केशेबिलिटी जो है ना हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, इमेजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना गूगल क्रोम खुद समझदार है, गूगल क्रोम उसको खुद से केशे कर लेता है। ठीक है, लेकिन केशेबिलिटी को आप अलग से सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ना सर्वर में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसको केशेबल कर लें। ठीक है, सर्वर के रिस्पॉन्स में केशेबल ट्रू करके वो लगा के भेजते हैं, वो भी ज़रा देख लीजिएगा कि वो कैसे उसको हम बताते हैं कि जी आपने केशे करना है। फिर फ्रंट एंड से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हुए भी मैं केशे ट्रू करके भेज सकता हूँ। ठीक है, एक्जियोस में ये ऑप्शन मौजूद होता है कि एक्जियोस से जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं केशेबल ट्रू करके भेजता हूँ। तो जब रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पर, सर्वर को नहीं बताता वो, जब रिस्पॉन्स आता है तो उसको क्रोम में केशे कर देता हूँ। तो ये केशेबल करने के ना कई तरीके मौजूद हैं, जिसमें से कुछ फ्रेमवर्क लेवल पे हैंडल हो जाते हैं, कुछ जगहों पे आपको खुद भी करना पड़ता है। कर दें तो अच्छी बात है, रेस्ट एपीआई कहलाने के लिए ना अच्छा रहेगा वो। अच्छा, लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम जो है ना, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता, सब कुछ पहले से हुआ हुआ है फ्रेमवर्क लेवल पर। जिसको थोड़ा सा समझ लें, अ क्लाइंट कैन नॉट ऑर्डिनरली टेल वेदर इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एंड सर्वर और एन इंटरमीडिएटरी अलॉन्ग द वे। यार इसने बड़ा मुश्किल वोकेबलरी यूज़ किया है पढ़ने में, मतलब टंग ट्विस्ट हो रही है। कॉन्टेंट राइटिंग में एक ये स्किल होती है कि जी पढ़ते हुए ना टंग ट्विस्ट ना हो आपकी। तो इसकी जो कॉन्टेंट राइटिंग है इस बंदे की,
इसको पढ़ते हैं ना, टंग ट्विस्ट हो रही है, आई एम नॉट श्योर वाई. अच्छा, इंटरमीडिएटरी सर्वर में इंप्रूव सिस्टम स्केलेबिलिटी बाई इनेबलिंग द लोड बैलेंसर एंड दिस. ये कह रहा है कि जी जब क्लाइंट से एक URL हिट हो ना, तो क्लाइंट को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे जा रही है या सर्वर के दरमियान में भी कोई चीज़ मौजूद है, मेरी रिक्वेस्ट उस पे जाके हिट हो रही है. सर्वर के दरमियान में क्या चीज़ हो सकती है जी? प्रॉक्सी हो सकता है, रेडीज़ का कोई इस तरह का फ्रेमवर्क हो सकता है. रेडीज़ जो है ना सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में खड़ा हुआ होता है, रेडीज़ से होके गुजरती है रिक्वेस्ट, और रेडीज़ कुछ रिक्वेस्टों को वहीं रोक के वहीं से रिस्पॉन्स भेज देता है क्योंकि उसने कैशे किया हुआ होता है रेडीज़ ने. तो इस तरह की कोई चीज़ बीच में हो सकती है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में हो सकती है. अच्छा, तो आपका सर्वर ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को ये बात पता ना चले कि इसके दरमियान में कोई और चीज़ है या नहीं है. एक क्लाउड फ्लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, क्लाउड फ्लेयर का एक सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है. तो आप क्या करते हैं, क्लाउड फ्लेयर का जब आप सेटअप करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट आपकी ऐसे हो जाती है कि पहले क्लाउड फ्लेयर पर जाती है, क्लाउड फ्लेयर के CDN पर जाती है, CDN से होकर फिर आपके सर्वर पर जाती है. ठीक है, तो ये वो वाली बात है कि जी वो आपको ना आपके क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कहाँ से होके जा रही है. आपके क्लाइंट को लगना चाहिए कि भाई ये सर्वर है और उससे मैं बात कर रहा हूँ, भले बीच में कोई कैशे हो, भले बीच में कोई प्रॉक्सी हो, या बीच में कोई सिक्योरिटी क्लाउड फ्लेयर का हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो. लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता. जब आप क्लाउड फ्लेयर सेटअप करेंगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ही ऐसा बनाया है उन्होंने कि पता नहीं चलता क्लाइंट को. रेडीज को जब आप सेटअप करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ही वो ऐसा बना हुआ है कि आप जब हिट करेंगे पता नहीं चलता. ठीक है, और इसी तरह जो जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं इस तरह के. अच्छा, लोड बैलेंसर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लग रही होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में खड़ी हुई होती है. मिसाल के तौर पर 25 इंस्टेंस जैसे मैंने एग्जांपल दी के लगे हैं, आप ही की एप्लीकेशन के 25 अलग अलग इंस्टेंसेस चल रहे हैं, यानी 25 अलग अलग कंप्यूटरों पे आपका आपकी ये सर्वर की ऐप चल रही है. रिक्वेस्ट जब जाती है तो उनमें से रैंडमली किसी एक में भेजना है जिस पर लोड कम हो. तो गूगल ये काम कर रहा है ऐप इंजन के ऊपर, जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो पहले जाती है वो लोड बैलेंसर पर, उसके बाद वो एक्चुअल मशीन पर जाती है. वो मास्टर का काम है कि वो कैसे करता है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं चलती. आपको पता चली थी ये बात, आपने URL हिट किया, रिस्पॉन्स आ गया, दैट्स इट. तो ये जो लेयर्ड सिस्टम वाला काम है ना, ये इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये पहले से ही हुआ हुआ है, फ्रेमवर्क लेवल पे हैंडल हुआ हुआ है, लेकिन ये जस्ट आपको बात पता होनी चाहिए. अच्छा, लेयर्ड सिस्टम में एक चीज़ और भी मैं ये समझता हूँ कि उसको काउंट करना चाहिए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो कैसे ट्रैवल कर रही है ना, ये भी नहीं पता चलना चाहिए आपको. मिसाल के तौर पे आपका जो हार्डवेयर है वो बाहर कैसे निकाल रहा है रिक्वेस्ट को, ये भी नहीं पता चलना चाहिए आपको. और ये भी पता नहीं चलता, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हैंडल हुआ हुआ है. मैं जब जेसन उठा के भेजता हूँ ना रिक्वेस्ट के अंदर, एक्सियोस से मैंने जेसन भेज दिया, अब वो जेसन आगे कैसे जा रहा है, क्योंकि तारों में तो डेटा बाइनरी में फॉर्म में सफ़र करता है, फाइबर में किसी और फॉर्म में करता है, लाइट की फॉर्म में करता है. अब फिर कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसको इनकोड करना, और 7 लेयर्स होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, ESI लेयर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ESI लेयर, हाँ OSI की लेयर होती है ना, 6-7 होती है बल्कि. ठीक है, TCP में मेरे ख्याल है 4 या 5 इस्तेमाल होती है जो लेयर. तो वो क्या करती है जी, सबसे पहले आपके डेटा को जो टेक्स्ट होता है ना, आपका डेटा तो असल में टेक्स्ट डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करती है वो बाइनरी में. फिर वो अगला क्या करता है, उसको वो बाइनरी को वो सीधा करता है, पैकेट्स बनाता है उसके. फिर अगला उसके क्या करता है, उसको तारों में डालता है, करंट में कन्वर्ट करता है. इस तरह वो 6-7 होता है, अल्टीमेटली आपका डेटा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको तारों में यहाँ से डालते हैं. फिर आगे जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर भी यही 5 लेयर होती है, अपोजिट होती है, कि वो पहला उसके पैकेट खोलेगा, दूसरा उसमें से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, तीसरा उसको वापस जेसन बनाएगा, और जेसन बना के फिर आपके सॉफ्टवेयर के हवाले करेगा. तो मैं यहाँ से जब जेसन भेजता हूँ ना, तो वहाँ जेसन जो मिल रहा है, दरमियान में क्या हो रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं है. तो वो भी लेयर्ड सिस्टम है कि जी मैं एक सर्टन लेयर पे काम कर रहा हूँ, उसके नीचे वाली लेयर पे क्या हो रहा है ये मेरा कंसर्न नहीं है. तो ये भी लेयर्ड सिस्टम के अंदर आता है, लेकिन इसमें भी खुशकिस्मती से हमें कुछ नहीं करना, ये सब कुछ पहले से हुआ हुआ है. नहीं, दिखने का मतलब ये है कि मुझे कुछ ना करना पड़े. मिसाल के तौर पर देखो, ये भी तो हो सकता था ना कि मैं एक सर्टन सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजूँ, मुझे बाइनरी में रिस्पॉन्स कर दो, अब उस बाइनरी को मैं खुद से जेसन में कन्वर्ट करूँ, ये तो नहीं हो रहा ना. लेकिन तो ये बात कर रहा हूँ कि वो मुझे कुछ ना करना पड़े, भाई मैं जेसन में भेज रहा हूँ, मुझे जेसन में ही रिस्पॉन्स मिल जाए,
तो मैं एक सर्टन लेयर पे काम कर रहा हूँ, उसके नीचे वाली लेयर पे क्या हो रहा है वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो ड्राइवर्स उसके लिए लिखे हुए बकायदा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से इसको करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है हर ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको करने का अप्रोच, लेकिन एंड रिजल्ट उसका वही निकलता है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये लेयर्ड सिस्टम एक सर्टन लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, उससे नीचे क्या हो रहा है, उससे ऊपर क्या हो रहा है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। अच्छा जी, कोड ऑन डिमांड जो है ना, ये अब कुछ जगहों पे ये बात जिक्र होती है प्रिंसिपल्स में, कुछ जगहों पे नहीं होती, मैंने ये नोट किया, लेकिन वेल इसको हम पढ़ लेते हैं, और इसी एक को मिला के ना ये सिक्स हो गया इसका। REST API allow client functionality to extend by downloading and executing the code from the applet or the script. Simplifies the client by reducing the number of feature or require this pre-implemented extensibility. अच्छा ये कह रहा है कि यार आपका जो कोड है ना जो क्लाइंट पे जो है वो ऑन डिमांड होना चाहिए। अच्छा ऑन डिमांड का क्या मतलब है कि कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट हो पहले से, उसको मैं API हिट करके वो कोड मंगवा लूँ पूरा और कोड को मंगवा के चलाऊँ। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे एक्जियोस की लाइब्रेरी जब हम लगाते हैं तो वो कोड हमने तो नहीं ना लिखा होता, वो कोड कहीं से आता है उठ के CDN के थ्रू, हम URL एक हिट करते हैं वो URL के पीछे पूरा कोड आता है, पूरी लाइब्रेरी रहती है, वो हम ला के उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, चला देते हैं, चल जाता है, ठीक है। तो सर्वर में आपके ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये चाहूँ कि यार कुछ कोड ना फ्रंट एंड पे मैंने रखना नहीं है, मैंने रखना है सर्वर पे, तो उसको मैं उठा के ला सकूँ फ्रंट एंड पे और एग्जीक्यूट कर सकूँ। अच्छा जब हम REST API की एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो स्लैश की रिक्वेस्ट पे जो मेरा पूरा का पूरा फ्रंट एंड उठ के आता है वो भी इसकी एग्जांपल है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रंट एंड उठ के आने का मतलब क्या है, HTML आ रहा है कोड है वो, एक JavaScript आ रही है वो कोड है, फ्रंट एंड पे आके वो एग्जीक्यूट होती है ना, पहले से तो नहीं हो रही ना, स्लैश की रिक्वेस्ट की है तो पूरा का पूरा कोड उठ के आया, अदरवाइज वो नहीं आएगा, और आने के बाद ही वो ज़ाहिर है JavaScript तो फ्रंट एंड पे आके चलती है, वो सर्वर से चल के थोड़ी आई है, सर्वर से तो फाइलें आई हैं जस्ट। तो ये उसकी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन ये भी इसके लिए भी हमें कुछ करना नहीं है, अनफॉर्चुनेट मतलब खुशकिस्मती से ये सब पहले से हुआ हुआ है, हैंडल हुआ हुआ है। अच्छा यूनिफॉर्म इंटरफेस, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसका आपने ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा इसके लिए ही आपने एफर्ट करनी है, बहुत सारे क्योंकि पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें कुछ करना नहीं है आपने, बस उसको समझना है। अच्छा कह रहा जी यूनिफॉर्म इंटरफेस जो है ना वो क्या है, बाई अप्लाइंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ जेनरैलिटी टू द कंपोनेंट इंटरफेस द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर बिकम सिंप्लीफाइड एंड द विजिबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शंस इज इम्प्रूव्ड, इम्प्लीमेंटेशंस डीकपल्ड फ्रॉम द सर्विस एंड दे प्रोवाइड विच इंकरेज इंडिपेंडेंट इवॉल्वेबिलिटी। बहुत इसमें ट्विस्टेड वर्ड्स लिखे हैं। Well, REST defined by four interface constraints: identification of the resource, manipulation of the resource, and representation, self-descriptive messages, hypermedia, the engine. Well, बहुत मुश्किल इसने जुमले मतलब वर्ड्स बड़े मुश्किल इस्तेमाल किए, बात तो अच्छी की है इसने, जो वर्ड्स ना ट्विस्ट हो रही है, टंग ट्विस्ट हो रही है इसको बोलने में। भाई यूनिफॉर्म इंटरफेस ना मैं आपको सिंपल सिंपल समझाऊँ कि क्या चक्कर है, इंटरफेस क्या होता है पहले तो ये बताओ, हम डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा, जैसे यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे API एप्लीकेशन यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे से मैं अपना मैसेज कंप्यूटर को दे सकूँ या कंप्यूटर अपना मैसेज मुझे दे सके वो इंटरफेस कहलाता है। अच्छा ज़रूरी नहीं कि मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, एक मशीन भी दूसरी मशीन से जब बात कर रही होती है तो कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से एक मशीन अपना इनपुट दूसरी मशीन को देती है और फिर दूसरी मशीन उसको प्रोसेस करके अपना आउटपुट देती है, तो उस जगह को हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। AC के अंदर वो बटन लगा हुआ है प्लस माइनस का, उससे आप देते हैं, उस पर छोटी सी LCD लगी हुई उससे आउटपुट आता है, तो वो जो छोटा सा विंडो है जिसमें वो बटन और छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है वो हिस्सा इंटरफेस है। अब उसको यूज़र इंटरफेस होगा तो बंदे के लिए बना होगा, फिर प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा तो किसी मशीन के लिए बना होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस में भी क्या होता है, जैसे हमने जो API इस्तेमाल की है वेदर की, कि जी हम एक URL हिट करते हैं वहाँ से डेटा आ जाता है, मगर उस URL को हिट करते हुए मैं उसको एक इनपुट देता हूँ सिटी का नाम, राइट, सिटी का नाम देता हूँ तो सामने से वो उस सिटी का वेदर देता है। तो ये जो URL था ये असल में क्या था, ये इंटरफेस है एक मेरे लिए बना हुआ, मेरे लिए एक ऐसा इंटरफेस बना हुआ है जिसको मैं अपनी एप्लीकेशन से बात करा सकता हूँ, मैं खुद भी चाहूँ तो कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट उसको पोस्टमैन की ऐप से, लेकिन असल में बनाया किसके लिए गया, एक मशीन के लिए बनाया गया। तो मैं अपने फ्रंट एंड के अंदर ये URL लगाता हूँ, सिटी का नाम देता हूँ, इनपुट रिस्पॉन्स वहाँ से जो मुझे उस सिटी का वेदर मिल जाता है, समझ आया। तो इंटरफेस हम इस चीज़ को कहते हैं।
यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है? अच्छा, मेरे सर्वर में देखो एक API तो नहीं है ना, मेरे सर्वर में एक API तो नहीं है, एक प्रोफाइल गेट करने की API है, एक प्रोफाइल क्रिएट करने की API है, एक साइनअप की API, लॉगिन की API, मेरे पास तो बहुत सारी APIs हैं, 200-500 APIs हैं, और हर API एक इंटरफेस है जिसको कोई मशीन हिट करेगी उसको जवाब मिलेगा, ठीक है, या कोई बंदा पोस्टमैन से हिट करेगा उसको जवाब मिलेगा। तो अब ये इतनी सारी जो APIs हैं, इतने सारे जो इंटरफेसेस हैं, ये तो एक मिक्स हो जाएंगे ना ये तो सारे आपस में। इसने कहा जी उसका ना आपने बनाना है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या चीज़ होता है? बच्चे पहनते हैं स्कूल में, वही होता है ना यूनिफॉर्म। क्यों होता है वो यूनिफॉर्म? बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों बनाते हैं? स्कूल के बच्चे लगे हैं, सेम लगे, सेम क्यों लगे, यही तो सवाल है। मतलब यूनिफॉर्म का तो मतलब ही है सेम लगना। स्कूल के बच्चे, स्कूल अपनी मार्केटिंग के लिए बना रहा है यूनिफॉर्म? हाँ नहीं बताओ, स्कूल अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं बनाता, ताकि पता चले कि स्कूल का बच्चा है। नहीं बस वो कैप भी लगा ले तो हो जाता उससे, तो स्कूल की कैप भी लगा लेता तो हो जाता। ऐसो भी है नहीं भाई, नहीं मैं तो कह रहा हूँ वो कैप भी लगा लेना कि जी उस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ कैप पे, तो हो गया पूरा यूनिफॉर्म ऊपर से नीचे तक, तो यूनिफॉर्म भी कोई भी पहन लेगा। हाँ असल में यूनिफॉर्म स्कूल में इसलिए बनाते हैं सारे बच्चे एक जैसे दिखें, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाए, काले गोरे का फ़र्क ख़त्म हो जाए, सारे एक जैसे फुद्दू लगे। खैर असल में फिर होगा क्या है कि जो पैसे वाले बच्चे हैं वो फिर वो ऐसे कपड़े पहन के आएंगे जो ज़ाहिर है एक दूसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ज़रा अमीर गरीब का जो फ़र्क है ना वो एक ब्लर हो जाए, उस चीज़ के लिए यूनिफॉर्म रखा जाता है ताकि जो सब लोग बैठे ना तो सबको इक्वालिटी फील हो, ठीक है ना, बच्चों को मतलब किसी को एहसास कमतरी का वो ना हो, सब इक्वल हो जाए। अच्छा फिर जो गरीब बच्चा भी है उसको भी डंडे मार मार के कहते हैं भाई तुमने एटलीस्ट इतना यूनिफॉर्म तो करना ही है, ठीक है, तो ये वाला चक्कर है। इस वजह से यूनिफॉर्म बनाते हैं बच्चों को, मदरसे में भी यूनिफॉर्म इसीलिए बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मदरसों में भी यूनिफॉर्म बनाते हैं, वरना क्या होता है जिन मदरसों में यूनिफॉर्म नहीं होता वहाँ जाके आप देखें कुछ बच्चे होंगे वो बिल्कुल ही कॉटन वाटन का सूट पहन के ना कड़ा होकर बैठे हुए होते हैं, और बस ज़बरदस्त सी टोपी मतलब 5-5 हज़ार वाली वो टोपी लगा के बैठे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो बेचारे ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है ना वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना यूनिफॉर्म एक जैसे लगे सारे, इसलिए होता है वो। हाँ तो इन्होंने बोला भाई यूनिफॉर्म इंटरफेस कि सारी API जो है ना आपकी वो एक जैसी लगनी चाहिए, सारी API आपकी एक जैसी लगनी चाहिए। अब बताओ ये क्यों इन्होंने बोला कि सारी API एक जैसी लगनी चाहिए? क्या कुछ API गरीब है? सारी API एक जैसी फुद्दू लगनी चाहिए, सही है। अच्छा तो मैं समझाता हूँ कि सारी API एक जैसी क्यों लगनी चाहिए। हाँ सारी API एक जैसी लगनी चाहिए, यही तो कह रहा है ये। अच्छा मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना एक API है जिसका नाम है /profile, ठीक है, इससे प्रोफाइल गेट होती है। अच्छा अब प्रोफाइल को एडिट करने की जो API है उसका क्या नाम रखूँ मैं? एडिट प्रोफाइल, सही है। और प्रोफाइल को डिलीट करने की API है उसका क्या नाम रखूँ? डिलीट प्रोफाइल। अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करने की जो है उसको, सही है, एक जैसी हो गई सारी, कहाँ से एक जैसी हो गई? वो बोलता है भाई कि इसको आपने ना ये करना है, सही है। ओ सही है, डिलीट की रिक्वेस्ट होगी और नाम प्रोफाइल ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एडिट रह गया ना, बाकी तो सब हो गया।
एडिट सॉरी इसमें पुट होगा और नाम इसका भी प्रोफाइल होगा, सही है। गेट पोस्ट पुट और डिलीट, पुट को मैं ऊपर कर देता हूँ। अब लग रही है सारी एक जैसी, पांचवा भी बनेगा। इसमें एक और प्रोफाइल बनेगी जिसमें बोलेंगे एस लगाएंगे ना जब हम, और गेट की रिक्वेस्ट होगी, तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा आएगी सामने से प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा इसको प्रोफाइल तो नहीं रखता हूँ मैं, इसका कुछ और नाम रख देता हूँ, मैं पोस्ट नाम रख देता हूँ, ठीक है पोस्ट नाम रख देता हूँ। अब देखो गेट पोस्ट का मतलब है कि एक पोस्ट, एस नहीं लगा हुआ। इसी गेट में अगर मैं एस लगा दूँ ना तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा पोस्ट सामने से आएगी, जब रिस्पॉन्स में मेरे पास एरे आएगा, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इंटरफेस का पार्ट है ये। अच्छा इसी तरीके से जब मैं पोस्ट करता हूँ ना तो इसमें भी मैं एस लगा दूंगा अगर, तो इसका मतलब है कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ पोस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं क्या करूँगा पुट में भी अगर एस लगा दूंगा, ठीक है, और डिलीट में भी अगर मैं एस लगा दूंगा, सही। इसको कहते हैं बैच डिलीट, लेकिन अभी फ़िलहाल एस वाले को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये एस वाले जितने हैं ना उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल आप देखें कितनी हो गई थी, वो कितनी सारी APIs, 10 के करीब API हो गई थी, लेकिन नाम सबका क्या था, एक ही था, यूनिफॉर्म इंटरफेस, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स भी कहते हैं समटाइम। अच्छा जी तो ये समझ आ गया यूनिफॉर्म इंटरफेस का क्या चक्कर है। अब देखो ये क्या बात कह रहा है नीचे ना, कह रहा है यार इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो आसान हो जाती है, ठीक है। कह रहा है रेस्ट डिफाइन फोर इंटरफेस कंस्ट्रेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज। अच्छा ये शुरू वाले दो को लिखा ही नहीं इसने, डायरेक्ट ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज पे आ गया। वेल चलो पढ़ लेते हैं इसने जो आधी अधूरी बात लिखी है वो क्या है। ईच मैसेज इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब हाउ प्रोसेस द मैसेज, रिसोर्स बेस्ड इंडिविजुअल रिसोर्स आइडेंटिफायर रिक्वेस्ट यूजिंग द URI रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। चलो यार छोड़ो इस आर्टिकल को, तुमने बहुत पढ़ लिया। मैं ज़रा इसी पे ये कंप्लीट कर दूँ आपकी बात ना, इसी पे मैं ज़रा कंप्लीट कर दूँ कि वो यूनिफॉर्म इंटरफेस में और क्या क्या चीज़ है, क्योंकि उसने ज़रा बात लिखी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज से लिखी है, लेकिन वो खुद से आपने पढ़ना ज़रूर है, खुद से आप पढ़ेंगे तो आपको वो होपफुली समझ आ जाएगा। अच्छा जी गेट पोस्ट जब आप करेंगे ना तो इसका मतलब है एक पोस्ट गेट हो रही है, एक पोस्ट गेट हो रही है ना, इसका मतलब है कौन सी है वो पोस्ट कौन सी है, सही है। तो स्लैश पोस्ट की आईडी ये होगा, ठीक है। ये सर्वर पे हम बना चुके हैं ना URL पैरामीटर्स, या तो URL पैरामीटर होगा या तो क्वेरी पैरामीटर होगा, लेकिन इस केस में ना URL पैरामीटर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि पोस्ट होगा और स्लैश उसकी आईडी होगी कि यार ये वाला पोस्ट, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि पोस्ट के बाद ना स्लैश करके यूज़र आईडी और स्लैश पोस्ट की आईडी, सही है। फेसबुक में इस तरह होता है, असल में फेसबुक में जो है ना इस तरह होता है, अगर पोस्ट को आप URL निकालें ना किसी पोस्ट का तो वो इस तरह निकालते हैं कि पहले यूज़र आईडी होती है फिर पोस्ट की आईडी होती है। तो ये स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, एक पोस्ट की बात हो रही है जिस पोस्ट को मैंने गेट करना है, और इसमें देखें एस नहीं लगा हुआ। अच्छा अब आ जाएं आप फेसबुक में, ज़रा मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं दिखा पाऊँ तो बड़ा सही रहेगा। ये मैं किसी एक पोस्ट में चला गया रैंडमली, और इस पोस्ट को जब मैंने ओपन किया ना तो आप नोट करें इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने यहाँ पे लिखा है बेस URL स्लैश यूज़र आईडी स्लैश पोस्ट और उसके बाद पोस्ट की आईडी, सही है। हाँ पोस्ट करके और उसके बाद ये आईडी लगाई है इसने। अच्छा इसने एस लगा दिया, लगना नहीं चाहिए था वैसे एस, अरे नहीं ये एस इसने इस, यहाँ पे एस तो नहीं लगना चाहिए था, सिंगल पोस्ट आ रही है ना एस क्यों लगेगा यहाँ पे, लेकिन इन्होंने लगा दिया एस। वेल इनको REST API का पता नहीं है। अच्छा तो इस तरह कर सकते हैं आप। अच्छा उन्होंने क्या किया यहाँ पे पोस्ट को भी ऐड किया स्लैश ऐसे करके, URL को थोड़ा लंबा किया उन्होंने, कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से अगर आप गेट कर रहे हैं
तमाम पोस्ट, तो इसमें भी दो यूआरएल बनेगा, इसमें भी एक यूआरएल नहीं बनेगा, इसमें दो यूआरएल बनेगा। एक तो ये होगा जी कि किसी खास यूजर के तमाम पोस्ट, है ना, तो यूजर आईडी सही है। अभी इसको मैं हटा देता हूं इस वाले को, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पोस्ट आएगी स्पेसिफिक यूजर की और एक खास पोस्ट आएगी। इस वाले में क्या होगा कि किसी खास यूजर की तमाम पोस्ट आ जाएगी। अच्छा, फिर एक और बन सकता है एस के साथ, जिसमें क्या होगा कि तमाम की तमाम पोस्ट आ जाएगी, लेकिन आमतौर पर इसका नाम हम पोस्ट नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं फीड, ठीक है, फीड रखते हैं। लेकिन इसका नाम आप अगर यूनिफॉर्म इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसका नाम पोस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेस्ट एपीआई यूआरएल। अच्छा, वो उसको अलग क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो इसको इस पूरे गुच्छे में से ही अलग कर देते हैं। वो बोलते हैं भाई आप वो इधर, और इसका बंदा भी अलग होता है जो इस पर काम कर रहा होता है, कहते हैं ये फीड है भाई, ठीक है, ये फीड बिल्कुल अलग गुच्छा है, इसके चार अलग एपीआईज होती हैं कि फीड को गेट करना, फीड की प्रेफरेंस, फीड की कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा। और इस फीड के अंदर जो, क्योंकि तमाम यूज़र की तमाम पोस्ट इस फीड में आ रही होती है, तो ये एक एल्गोरिथम से गुजर के आती है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम भी क्या होता है कि फीड के आदि ना स्लैश मेरी यूज़र आईडी होती है, तो ये फीड मेरे लिए आ रही होती है स्पेसिफिक। जाहिर है हर बंदा फेसबुक खोलता है उसको एक जैसी पोस्ट नहीं दिखती, फीड में अलग अलग दिखती है। हर बंदा टिकटॉक खोलता है उसको अलग अलग दिखती है, उस बंदे की प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इसका भी एक इनपुट होता है, तो बारह इसको गुच्छे से ही अलग कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला भाई ये अलग है, आमतौर पर इसको अलग रखा जाता है। अच्छा, पोस्ट में क्या रखा आपने, अब पोस्ट के साथ बॉडी होती है आमतौर पर, क्योंकि कुछ ना कुछ पोस्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। पोस्ट में भी आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़र आईडी लगा सकते हैं कि जी किस यूज़र आईडी के अंदर ये पोस्ट हो रहा है, ठीक है। बॉडी में भी रख दें अगर उस आईडी को, तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अच्छा, पुट करते हुए भी क्या होगा भाई, पुट कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट को एडिट कर रहे हैं, पुट में एस नहीं लगा हुआ तो किसी एक पोस्ट को एडिट कर रहे हैं ना, तो वो कौन सी पोस्ट है। तो स्लैश इसमें हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा पोस्ट की आईडी जाएगी कि कौन सी पोस्ट को एडिट किया जा रहा है, या फिर स्लैश यूज़र आईडी और स्लैश पोस्ट आईडी भी हो सकता है। नहीं, दो इनपुट भी ले सकते हैं आप, ये यूआरएल पैरामीटर में तो दो तीन चार जितने मर्जी इनपुट ले लो। अच्छा, ये दरमियान वाला यूज़र आईडी ना मैंडेटरी नहीं होगा उस सूरत में जब आपकी पोस्ट आईडी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन फेसबुक में जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में पोस्ट होती है, तो उन्होंने क्या किया हुआ, यूज़र आईडी के अंदर पोस्ट आईडी को यूनिक किया हुआ है, ठीक है। पोस्ट आईडी जो है वो ग्लोबली यूनिक नहीं है शायद, मे बी, ठीक है। तो ये तरीका भी सही है, अगर आपकी पोस्ट जो है वो ग्लोबली यूनिक है, जैसे मोंगोडीबी की अगर हम बात करें, तो मोंगोडीबी में हर डॉक्यूमेंट की जो आईडी होती है वो तमाम डेटाबेस के अंदर यूनिक होती है, क्योंकि उसमें टाइम को वो शामिल करते हैं, टाइम को इन्वॉल्व करते हैं उस आईडी को जनरेट करवाने में, ठीक है। तो उसमें अगर आप यूज़र की आईडी ना भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन ये लगाते हैं इस वजह से, मोंगोडीबी में भी बड़ी एप्लीकेशन में लगाते हैं ये, क्यों कि मोंगोडीबी की जो आईडी जनरेट होती है, क्योंकि उसमें टाइम को शामिल किया जाता है उसको जनरेट करने में, तो इसलिए वो वन इन अ मिलियन उसमें भी चांस है कि वो डुप्लीकेट हो जाए, वन इन अ मिलियन या पता नहीं वन इन अ ट्रिलियन उसमें एक चांस है कि हाँ भाई वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो इसलिए उसमें भी ये किया जाता है कि जी यूज़र आईडी को अलग और पोस्ट आईडी को ज़रा अलग उसके अंदर कर देते हैं। तो ये तरीका सही है, ठीक है, छोटी मोटी एप्लीकेशन में यूज़र आईडी ना भी लगाएं तो चल जाता है। अच्छा, पुट के अंदर फिर मल्टीपल भी हो सकता है पोस्ट, तो पोस्ट ऐसे करके करेंगे और फिर उसके साथ बॉडी में बताएंगे भाई कि क्या क्या एडिट करना है, किस चीज़ को एडिट करना है। अच्छा, इसी तरह डिलीट में भी आप क्या कर रहे हैं, एक पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं तो स्लैश यूज़र आईडी इसके साथ भी आपको देना पड़ेगा, और स्लैश कि कौन सी पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है उसका भी नाम बताना होगा आपको। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये यूनिफॉर्म इंटरफेस आपका ये तैयार हो गया बन गया। ये सारे यूआरएल एक जैसे हैं, आप नोट कर रहे हैं। अब ये इतना सारा इनपुट तो पहले हमें पता ही नहीं था कि ये भी देना होता है, पहले तो हम समझ रहे थे सिर्फ क्रिएट पोस्ट और डिलीट पोस्ट है। भाई हर क्रिएट पोस्ट के साथ ये भी तो बताना पड़ेगा कि किसका पोस्ट है, कौन क्रिएट कर रहा है, या हर डिलीट के साथ उसका नाम भी तो बताना पड़ेगा। तो ये इतना सारा इनपुट भी आ गया ना इसके अंदर, तो अब अगर इसको हम इंटरफेस को यूनिफॉर्म नहीं करेंगे तो ये और कचरा हो जाएगा, ऑलरेडी कितना कचरा हो चुका है जी। क्या मतलब, नहीं मल्टीपल भी एडिट कर सकते हैं, कुछ जगहों पे आपने ऐसा ऑप्शन देखा होगा कि मल्टीपल को एडिट कर देते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियोस है ना, जब आप एज अ क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं तो मल्टीपल वीडियोस को सेलेक्ट करते हैं, उसका स्टेटस पब्लिक कर देते हैं। मैं यही करता हूँ हर टेस्ट के बाद, सारी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और स्टेटस को चेंज करके पब्लिक करता हूँ, सारी पब्लिक हो जाती है।
तो मल्टीपल एडिट, इसको बैच एडिट कहते हैं या बैच डिलीट कहते हैं। जीमेल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल को सेलेक्ट करके अनरीड कर दो, एडिट है ना ये, दो ये मल्टीपल को सेलेक्ट करके डिलीट मार दो। तो बैच एडिट या बैच डिलीट के नाम से इसको जाना जाता है। हर जगह नहीं होती है, हर जगह इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जीमेल जैसी ऐप है, यूट्यूब जैसी ऐप है, उसमें होती है। ठीक है, जीमेल में आपके पास हज़ारों की तादाद में ईमेल आती है, तो उसमें मल्टीपल को तो डिलीट करना बनता है ना फिर। ठीक है जी, तो ये बात समझ आई, यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो अब आपने जो भी मज़ीद API बनानी है, अच्छा जी, अब ये बन गया पोस्ट की, अब इसी तरह बनेगी यूज़र की, ये पूरी पूरी पूरा बैच ही पूछा बनेगा पूरा यूज़र का। ठीक है, या यूज़र या कोई और चीज़ कह लो, कौन सी और चीज़ होती है पोस्ट के अलावा, ऐसी कौन सी, मतलब एक सोशल मीडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कमेंट होता है ना, कमेंट का भी ये पूरा का पूरा बनेगा। सही है, कमेंट। क्या था ये, पोस्ट का। सही है, पूरा इस तरह कमेंट का बनेगा। तो जितनी भी रिसोर्स होगी ना आपके सर्वर के ऊपर, उतनी जाहिर है उतनी API बनेगी। हर रिसोर्स के लिए चार चार API तो बनेगी ना मिनिमम, जैसे कमेंट है, लाइक्स होते हैं, फिर पोस्ट होता है, फिर आपका अगर जैसे अगर नहीं शेयर, तो वही रिसोर्स ही को शेयर किया जा रहा है ना। मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, सोशल मीडिया में हम फंस के रह गए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ज़रा। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ऑर्डर लग रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो जितने भी जो मेन्यू आइटम्स हैं वो भाई एक रिसोर्स है। मेन्यू में आइटम ऐड भी होगा, रिमूव भी होगा, एडिट भी होगा। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर जो प्लेस हो रहे हैं वो एक रिसोर्स है, ऑर्डर क्रिएट भी होगा, डिलीट भी होगा, उसका स्टेटस भी चेंज होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो 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 डील्स हैं, नई डील बनेगी, पुरानी डील ख़त्म होगी, तो जितनी भी रिसोर्स होंगी हर रिसोर्स की कम से कम चार चार पाँच पाँच API तो बनेगी। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसमें और कुछ तो नहीं रह गया। अच्छा, यहाँ पे इसने ना कुछ बात और भी की है, और ये बड़ी इसने इम्पॉर्टेंट कहीं का स्क्रीनशॉट लगाया इसने, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। APIs आर फॉर एवर। यूनिफॉर्म इंटरफेस में ना एक चीज़ और भी हम ज़रा भी मुझे याद आ गई इससे, फॉर एवर से ना API ना कभी भी ऐसे नहीं होती डायरेक्ट। API हमेशा पता कैसे होती है, /v1 और ऐसे करके होती है। वेदर ऐप में भी तुम नोट करना, उसके URL में ये था /v1, इसके दरमियान में /API भी हो सकता है, /API/v1। ठीक है, अच्छा क्यों, कि कल को मैं इसी का ना v2 बनाऊंगा ना जब, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, ये अपनी जगह रहेगा, और v2 क्या होगा, ये ऐसे v2 बन जाएगा, ये वही वाला API है लेकिन उसका ये v2 है। तो अगर मैं v2 बनाऊंगा ना, मैं v1 को कभी ख़त्म नहीं करता, v1 रहेगा, अपनी जगह रहेगा। ठीक है, वर्जन है ना, मैंने अभी एक ऐप बना के पब्लिश कर दी, 2 साल चल गई वो, अब 2 साल बाद उन्होंने कोई नया फीचर ऐड करना है या पोस्ट करने की जो API थी उसको चेंज करना है, तो वो v2 बनेगा ना उसके लिए। v1 को छेड़ेंगे नहीं हम, v1 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ, v1 रहेगा। सही है, API जैसे फेसबुक की API है, जैसे GitHub की API है, इन सब का जो वर्जन है ना, पुराना वर्जन भी वो रहता है, डेप्रिशिएट कर देते हैं पुराने वर्जन को लेकिन ख़त्म नहीं करते। ठीक है, बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी को हम रखते हैं, तो ये इस तरह से ही होगा हमेशा, v1 v2 करके होगा। अभी हम वो मिनी राउटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे कि इस v1 को और v2 को हैंडल कैसे करते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं मिनी राउटर, मिनी राउटर करके एक्सप्रेस में एक चीज़ होती है, एक्सप्रेस में नहीं, हर सर्वर के फ्रेमवर्क में होती है वो। अच्छा, नेवर ब्रेक बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी। बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि पुराना फ्रंट एंड आ जाए ना अगर, वही है कि पुरानी API ख़त्म करोगे तो बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वर्क बैकवर्ड कस्टमर यूज़ केस। ठीक है, कस्टमर के यूज़ केस से सोचना शुरू करना है आपने, कि कस्टमर करेगा क्या, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करना है, अपने पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू नहीं करना है। ठीक है, क्रिएट API विद एक्सप्लिसिट वेल डॉक्यूमेंटेड फेलियर मॉड्स। ठीक है, आपने जो API बनानी है ना, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो अपने एक्सट्रीम फेलियर को भी सोचना है उसमें, कि एक्सट्रीम फेलियर इसका क्या हो सकता है, बंदा कितना उल्टा, मिसाल के तौर पे कोई API अगर गलत हिट करता है,
भाई मिसाल के तौर पर साइनअप करने के लिए चार चीज़ें थी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, चार चीज़ें थी। बंदे ने फर्स्ट नेम नहीं दिया अगर, तो आप उसको ऐसा रिस्पॉन्स दोगे कि वो उसको पूरा बॉडी बना के दोगे आपके बच्चा इस तरह करके रिक्वेस्ट भेजनी है आपने। इसको हम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड भी कहते हैं। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड एपीआई क्या होती है कि गलत रिक्वेस्ट मारो ना तो सामने से वो पूरा डॉक्यूमेंट भेजता है, पाँच छः लाइन का पूरा टेक्स्ट कि जी इस तरह भेजें आप इसको, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्रिएट एपीआई डेट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, वही बात आ गई। ठीक है, हैव अ क्लियर स्पेसिफिक पर्पज, अवॉइड लीकिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एट ऑल कॉस्ट। लीकिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है भाई? हाँ अच्छा अच्छा, ये लीकिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ये। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल का मतलब ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर लॉगिन होता है जब, तो लॉगिन होते हुए आप क्या क्या स्टेप करते हो ना, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है ना लॉगिन की, कि आपने लॉगिन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लॉगिन को इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, लॉगिन को। तो वो आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है ना, इसकी जो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो आपने कभी भी पब्लिक नहीं करनी, उसको हमेशा आपने बचा के रखना है। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है अगर वो पता चल जाए तो हैकर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है उससे। ठीक है, कि अंदर कैसे हो रहा है तो उसको फिर हैक कैसे करना है। तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आपने कभी भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पब्लिक नहीं करना है। ठीक है जी, चलें तो इंशाल्लाह आपसे इसको पूरा पढ़ लेना आखिर तक भाई, इसमें और भी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं जो आगे भी आप पढ़ने वाले हैं उससे मुतालिक भी चीज़ें हैं। क्या मुश्किल है? रेस्ट एपीआई का क्या लिखा हुआ है? मिनी राउटर मुश्किल है? अरे इंग्लिश तो ट्रांसलेट कर लेना ना, उसको क्या मसला है? नहीं नहीं, वो उसको ट्रांसलेट कर लो, अभी चैट जीपीटी से पूछ लो कि इसको आसान करके ज़रा समराइज करके दे दे, पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़।